हेलो स्टूडेंट्स हाव यू आई होप यू आर वेरी वेल टुडे वी विल डू आवर चैप्टर नंबर एट ऑफ आवर बुक अपेक्ट विद द सन आवर लेसन नेम इज़ आल्सो अपेक्ट विद द सन इट इज ऑन आवर बुक नेम ओके लेट्स स्टार्ट आवर लेसन सईदाज मदर हैज़ नॉट रिसीव प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हर कंप्लेन्ट्स की सईदा की मम्मा को पूरी तरह से अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था फॉर हर कम्पलेंट उसकी उसकी बीमारियों के लिए शी इज डिनाइड हेल्दी फूड सनशाइन एंड फ्रेश एयर उसको मना किया गया था हेल्दी फूड खाने के लिए सनशाइन सूरज की रोशनी लेने के लिए और फ्रेश एयर लेने के लिए एट लास्ट शी कंसल्ट ए गुड फिजिशियन अंत में उसने एक अच्छे डॉक्टर से अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट किया सलाह ली गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन जिसने उसको प्रभावशाली मेडिसिन दी एंड साउंड एडवाइस और बहुत ही अच्छी एडवाइस दी तो इस लेसन में क्या है हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं सईदाज मदर हैड बीन एलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम फीवर कफ बॉडी एक पेनफुल ज्वाइंट एंड वट नॉट कि सईदा की ममा थी क्या थी काफी समय से बीमार चल रही थी उसको कभी क्या हो जाता कभी उसको फीवर हो जाता कभी कफ हो जाती कभी खांसी हो जाती कभी उसकी बॉडी में दर्द रहता कभी उसके ज्वाइंट में उसके ज्वाइंटों में दर्द रहता था उसकी जोड़ों में दर्द रहता एंड वट नोट मतलब कि उसको पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ थी ट्रीटेड बाय ए वरायटी ऑफ फिजिशियन फॉर वीक्स शी ऑफन शोज साइन ऑफ इम्प्रूवेंट बट सोन रिलेप्स इन टू हर ओल्ड सिक्स सेल्फ वन कंप्लेन सब ट्रीटेड बाई अदर अनदर कि क्या था उसको हफ्तों तक क्या किया जाता था डॉक्टरों के द्वारा उसका इलाज किया जाता था शी ऑफन शो साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट उसमें कुछ सुधार के लक्षण भी दिखाई देने लग जाते थे बट सोंड रिलैक्सड लेकिन वो क्या थी उसकी जो बट सूंद क्या हो जाती थी जल्दी ही जल्दी ही ठीक होने के बाद उस इम्प्रूव होने के बाद वापस ही वह बीमार पड़ जाती थी अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाती थी फिर उसको सारी बीमारियां घेर लेती थी थो वीक एंड कलरलेस वह क्या थी कमजोर होने के साथ साथ क्या थी उसका रंग भी पीला पड़ गया था शी वॉज फॉर बिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक ऑर्डर टू रिमेन प्रिपरेचली कन्फाइंड टू हर स्मॉल डिंगी रूम विद डोर्स एंड विंडोज फास्ट एंड डिप्राइड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर की oh, कमजोर होने के कारण और कलरलेस होने के कारण मतलब कि कमजोर हो गई थी वो कमजोर होने के कारण और उसको मना किया गया था नॉर्मल फूड खाने के लिए भी और And was under strict order to remain perpetually confined to her small dingy room with doors और उसको कहाँ रखा जाता था अपने नित्य ही उसको एक छोटे से कमरे में गंदे से डिंगी मतलब गंदे से कमरे में रखा जाता था with doors and windows fastened जिसकी दोर और विंडो क्या थी fastened जो कभी भी मतलब खुलती नहीं थी and deprived of उसको इसको sunshine उसको मतलब कि सूरज की रोशनी और fresh air से वंचित रखा जाता था When she became critical, her relatives and क्रिटिकल persuaded her to consult a specialist, even though his fee was likely to be high. कि जब वह क्या हो गई थी उसकी हालत क्रिटिकल उसकी हालत ज्यादा ही खराब हो गई थी उसके रिलेटिव ने उसके रिश्तेदारों ने और उसके पड़ोसियों ने परसुएट मतलब क्या क्या उस, उसको तू, तू थ्रो रीजनिंग उसका मतलब कारण जानने के लिए उसको कहा तुम्हारी बीमारी का क्या कारण है इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए एक स्पेशलिस्ट मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इवन थो हिस्स फी वाइकली टू बी हाई यहाँ तक कि उसकी फीस हाई होगी लेकिन उसे क्या करना चाहिए कंसल्ट करना चाहिए उसे सलाह देनी चाहिए लाइफ इज मोर प्रशियस देन मनी दे सैड वे कहते थे कि लाइफ जो जिंदगी है वो पैसों से क्या है ज्यादा ही महत्वपूर्ण है सईदा बट शी नीडेड देयर एडवाइस सईदा की मदर क्या थी गरीब थी लेकिन उ, लेकिन उनकी एडवाइस लेकिन उनकी एडवाइस को मानते हुए एंड सोल डे फ्यू ट्रिंकलेट्स टू पे द डॉक्टर फी एंड कॉस्ट ऑफ मेडिसिन तो उसने क्या कर दिया अपने पड़ोसियों और अपने पड़ोसियों को एडवाइस मानते हुए अपने कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ होता है, कुछ ज्वेलरी, ज्वेलरी मतलब दी उसने की चुकाने के लिए और मेडिसिन की डॉक्टर कुछ ही दिनों में उसके घर पर आया उसका उसकी उसको एग्जामिन किया उसका निरीक्षण किया एंड प्रिस्क्राइब इफेक्टिव और उसको प्रभावशाली दवाइया लेकिन क्या करी थी कॉस्टली दवाइया Uh, उसको मेंशन करी थी उसको लिख के दी थी टू द क्वेश्चन एज टू वर्स शी शुड ईट ही सेड एनीथिंग यू विश टू ईट चपाती वेजिटेबल मिल्क फ्रूट असेक्ट्रा uh, की तो फिर उसने डॉक्टर से क्वेश्चन किया कि वह खाने में क्या खाए तो एनीथिंग डॉक्टर ने कहा कि एनीथिंग uh, जो तुम्हारी इच्छा है जो भी तुम्हारी इच्छा है जैसे कि चपाती वेजिटेबल मिल्क फ्रूट असेट्रा तुम जो भी खाना चाहते हो खा सकती हूँ इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडेड Leave this dark दिस डार्क होवल एंड bigger बिगर रूम विधर विंडोज ओपन कि उसने कहा इसके अलावा उसने ये भी कहा प्रभाव देते हुए कहा मतलब कि दबाव देते हुए कहा इस अंधेरे कमरे को होवल मतलब कमरे को छोड़ दो ये छोटे से प्लेस को छोड़ो एंड ऑक्यूपाई ये बिगर रूम तुम क्या करो एक बड़े कमरे में जाओ जहाँ पर क्या हो काफी सारी डोर हो विंडो हो खुली हवा हो सेट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम एट टू नाइन और तुम क्या बैठो हर सुबह सूरज की रोशनी में बैठो एट से लेकर नाइन एट एट आठ बजे से लेकर नौ बजे तक सनशाइन एंड फ्रेशियर मतलब कि तुम सूरज की रोशनी में और ताजी हवा में सुबह आठ से लेकर नौ बजे तक बैठो ही कंक्लूडेड उसने कंक्लूड किया उसने निष्कर्ष निकाला आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन ये आपके लिए क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेडिसिन से द डॉक्टर एंड इज एजवाइज बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ नोजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट कि जो डॉक्टर था और उसकी एडवाइस थी उसकी सलाह थी सबके बीच में क्या बन गई थी खुसर पुसर होने लग गई थी कमेंट्री का मुद्दा बन गई थी सब उसके बारे में बातें करने लग गए थे जो वहाँ पर मौजूद लोग थे सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोज इट कुछ ने इसका फेवर्ड किया था कुछ ने इसको इसका विरोध किया एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समन इफ्लिक्टेड विद कैरोनिक कफ वाज डेंजरस कुछ ने कहा कि बाहर सन में बैठना और न, और हवा में क्या करेगा उसको एफ्लिक्टेड करेगा मतलब उसकी कफ को उसकी कफ के लिए क्या होगा डेंजरस होगा उसकी खांसी और बढ़ जाएगी एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड एक एक्सपीरियंस लेडी ने डिक्लेयर किया उसने बोला ए यंगर नेबर नियर लिक विद हर ओवर दिस एक एक जवान एक छोटा जो पड़ोसी था उसके साथ क्या करने लगे इस बात पर झगड़ा करने लग गया लंबे समय तक इस वाद विवाद में शामिल होने के बाद सईदा की मदर बिल्कुल चुप रही बट लेकिन उसने निश्चय किया कि वह क्या करेगी डॉक्टर की, की एडवाइस को फॉलो करेगी फोरकेट द वह इन इन सब के बाद, इन सब के 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 बाद परिणामों को भूल को भूलकर उस डॉक्टर मानेगी। She last, उसने अंत में कहा हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर कि मैं उसकी जो इंस्ट्रक्शन है जो निर्देश है वो क्या करूंगी ल, लेटर पर लिख लूंगी मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सिट इन द सन और माई चारपाई फॉर एन आवर डेली कि मेरा बेड अगले कमरे में ले जाओ एंड लेट मी सिट इन द सन और मुझे धूप में बैठने दे ऑन माई चारपाई पाई और मेरी चारपाई पर फोर एन आवर डेली पर प्रतिदिन द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विद क्लाउड्स फॉर ए फ्यू डेज कि कई दिनों तक आ, आकाश में क्या छाए अच्छा हुए थे बादल छाए रहे थे सईदाज मेक ए स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सन रेज टू हेल्प अर मदर गेटवेल्थ सईदा ने एक स्पेशल रिक्वेस्ट की सूरज की किरणों से कि तू की वो उसकी हेल्प करे उसकी मम्मा को ठीक करने में दन रेज ने सूरज की किरणों ने अपने शब्दों को रखा मतलब कि उसका उसने सईदा के वर्ड्स का मान रखा कम डाउन इन लार्ज द शहीदाज मदर वो लार्ज नंबर मतलब कि बहुत संख्या में uh, आसमान से धरती पर उतरे और उसने की उन्होंने सईदा की मदर को नई लाइफ दी इट सो हैपन दैट द स्काई रिमाइंड रिमेन ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग देखिए क्या घटित हुआ अगले दिन जो आकाश था जो स्काई था वो पूरी तरफ से क्या था बालों से ढका हुआ था द सेम वॉज द केस इन द फॉलोइंग डे ऐसा केस क्या था अगले दिन भी ऐसी ही कंडीशन रही थी ऐसी ही दिशा रही थी सईदाज मदर वॉज डिजेक्टेड सईदा की मदर क्या हो गई थी बहुत ही दुखी हो गई थी वो बहुत ही निराश हो गई थी शी मटर्ड उसने अपने आप से कहा अपने आप से धीरे धीरे कहा ओ लॉर्ड ऑफ माइंड वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड कि ओ लॉर्ड ऑफ माइंड उसने भगवान से कहा हे hey भगवान तुमने सन को ऑर्डर क्यों दिया छुपने के लिए हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड मुझे आराम कैसे मिलेगा मैं ठीक कैसे होंगी सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डोल नियर बाय एंड शी हर्ड हर मदर्स लेमनेट की सहीदा वहाँ पास ही अपनी मम्मी के पास नजदीक ही अपनी डोल के साथ खेल रही थी शी हर्ड वैन हर मदर्स लेमनेट कि उसने अपनी माँ की जो ग्रीफ था दुख था उसको सुना बट कैप्ट काम लेकिन वह चुप रही थी लेटर इन आफ्टरनून वेन शी स्टम्बल्ड ऑन ए स्पॉट ऑफ ए पेल सनशाइन इन द कोर्ट यार्ड जब आ, आफ्टरनून आफ्टरनून मतलब कि दोपहर में बाद में दोपहर में वैन शी स्टम्बल स्टम्बल मतलब कि ऑलमोस्ट फॉल उन्हें वहाँ पर मतलब कि पहुँच गई थी उस प्लेस पर जहाँ पर जहाँ पर उनके आंगन में क्या आती थी कोर्टयार्ड मतलब कि आंगन में क्या आती थी धूप आती थी शीरेन टू हर मदर टू से सन वॉज डेयर वह उसने अपनी मम्मा को मम्मा की तरफ भाग कर गई कहा कि मम्मी वहाँ पर सन है नो नो सैड एवरीबडी प्रेजेंट सभी ने कहा जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है नहीं है इट इज़ टू लेट एंड चिली ये क्या है बहुत लेट हो गया है और ये क्या है बहुत ही मतलब कि चिली है बार बहुत ठंडे योर मदर कांट सिट आउट देयर तुम्हारी मम्मा तुम्हारी माँ यहाँ पर नहीं बैठ सकेगी डिस हर्ट नेट सईदा रिटर्न टू हर डोल मतलब कि दुखी मन से वह क्या हो गई सईदा अपनी डोल के पास आ गई देयर वॉज नो सन रियली एस्पेक्ट फॉर इट लास्ट रिमेंट एंटेंगल्ड इन द टॉप ब्रांचेज ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री कि यहाँ पर वास्तव में सन की कोई सूरज की कोई आशा नहीं दिखा दे रही थी कहाँ से उसके जो घर पर जो क्या था उसकी किरणें नहीं आ रही थी उसके जो घर पर फैमिली का पेड़ लगा फैमिली में क्या लगा हुआ था मैंगो की ट्री में से भी उस, उसकी कोई भी किरण सूरज का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड ए सीक्रेट लैंग्वेज फॉरन टू ग्रोनप ऑल टूगेदर इन विच डिफ्रेंटली कम्युनिकेट विद ट्रीज फ्लावर्स एनिमल्स द सन एंड द मून पर है अलमाइटी की नाओ अब देखिए बच्चों के पास क्या होती है एक उनके पास क्या होता है एक सीक्रेट लैंग्वेज उनको एक आदेश दिया होता है एक सीक्रेट लैंग्वेज का जिससे क्या करते हैं वो वो क्या करते हैं सीधा ही किसे कम्युनिकेट करते हैं ट्रीज से फ्लावर से ट्रीज मतलब पेड़ों से फूलों से एनिमल से एनिमल्स मतलब पशुओं से पक्षियों से और सन से एंड द मून मून से परहैपसीवन विद द अल्माइटी या शायद गोड से भी शायद भगवान से भी यूजिंग द स्पेशल लैंग्वेज इस स्पेशल लैंग्वेज का प्रयोग कर कर यूज कर, कर सहीदा एडजस्ट हर दिमाग टू तो द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन कि उसने क्या किया एक टिप्पणी करी जो एक लास्ट रे ऑफ सन मतलब कि एक जो लास्ट सूरज की किरण जा रही थी उसको उसको उसने क्या किया टिप्पणी करी डियर सिस्टर डू कम टूमोरो विद लॉर्ड्स ऑफ वार्मेथ एंड ब्राइटनेस कि डियर सिस्टर प्यारी बहन तुम कल अब बहुत सारी वार्मेथ मतलब कि हीट के साथ और ब्राइटनेस मतलब चमक के साथ आना You see, तुम देख रही हो। My mother is ill. मेरी मम्मी बीमार है and needs your help. Help है, help है. उसको तुम्हारी की की ज़रूरत आपकी आवश्यकता निश्चित रूप पर उस लाइट ने आंसर दिया निश्चित रूप पर उस लाइट ने उस प्रकाश ने उस रोशनी ने उस रे ने आंसर दिया डोंट लुक अनहैप्पी तुम दुखी मत हो वी विल बी हेयर एट द फिक्स आवर हम निश्चित समय पर यहाँ पर कल होंगे नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग वेन द स्प्राइटली सनरेज एम्बेलिस्ड सेल्फ फॉर देयर जर्नी डाउन टू अर्थ अगले दिन सुबह जल्दी वेन द स्प्राइटली मतलब कि फुल ऑफ एनर्जी फुल ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी से भरी हुई सन की रेस सूरज की किरणों ने एम्बेलिस्ड मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रही थी वो डेम सेल्फ फॉर देयर जर्नी वो अपनी जर्नी के लिए क्या थी अट्रैक्टिव जर्नी के लिए तैयार थी जो कि पृथ्वी पर आने की थी द आवर डे अगेन सन ने कहा कि आज भी हमारा क्या है हमारी छुट्टी का दिन है वी आर स्टेइंग अप हेयर हम यहाँ ऊपर ही रहेंगे द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक बाय आर्मी ऑफ थिक मक्की क्लाउड्स की जो रोड है वो क्या है ब्लॉक की गई है उसको हमारा जो रास्ता है वो घने और डर्टी डर्टी मक्की मतलब डर्टी बादलों ने रोक लिया है द लिटिल रेस सो मच वॉन्टेड टू गो डाउन फोर लाख बट दे रिमाइंड क्वाइट कि जो लिटिल छोटी छोटी किरणें थी सो मच वॉन्टेड टू गो डाउन वो जाना चाहती थी फॉर ए लाख बट दे रिमाइंड दे रिमाइंड लेकिन जाना चाहती थी लेकिन वो चुप रही वन ऑफ देम थो वो हैड मेड ए पैक्ट विद लिटिल सईदा सैड सर आई कांट स्टे बैक वन ऑफ देम उनमें से एक ने कहा जिसने क्या किया था जिसने उसके साथ सईदा के साथ प्रॉमिस किया था वादा किया था सर आई कॉन्ट स्टे बैक मैं वापस नहीं जाऊंगी आई आई हैव गिवन माय वर्ड टू इज़ इल एंड नीड्स आवर हेल्प मैंने सईदा को अपने शब्द दिए हैं उसको अपने जवान दी है जिसकी मम्मी इल है जिसको हमारी हेल्प की जरूरत है आई विल पियर्स थ्रो द क्लाउस टू री सहीदा स्कॉट मैं क्या करूंगी सहीदा के घर पे बादलों में से होकर बादलों को छेद कर उसके घर पर उसके आंगन में पहुंच जाऊंगी हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर कि चाहे उसकी मम्मा हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर ताकि उसकी मम्मा को मैं ठीक कर सकूं कैसे भी करके उसकी मम्मा को ठीक कर सकूं हियरिंग दिस ऑल दियरली स्टेज ए रिवोल्ट अगेंस्ट हर देयर फादर द सन ऐसा सुनकर सभी जो किरने थी उसने उन्होंने भी क्या कर दिया विद्रोह कर दिया अपने पिता के सन अपने पिता सन के अपने पिता सूरज के खिलाफ फैंसिंग फैंसी, फैंसी स्टेइंग बैक अगेन कि उन्होंने सब उनको वान किया कि हम वापस जाना चाहते हैं दे सैड इन सिंगल वॉइस सब ने एक ही आवाज़ में कहा वट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस जो लोग हैं पृथ्वी के वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न लायर्स की हम क्या है जो हेवन स्वर्ग के लोग है, हैं वो जूठे हैं द सर द सन रिलेंटेड प्लीज योर सेल्फ ही सैड जो सन था उसने पहले तो बहुत गुस्सा किया प्लीज योर सेल्फ ही सैड माइंड योअर क्लोथ टो द क्लाउड्स आर मकी कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे तो द क्लाउड्स आर मकी जो क्लाउड्स हैं वो बादल हैं बहुत ही गंदे हो रहे हैं मिट्टी से भरे हुए हैं नेवर माइंड आवर क्लोथ आप हमारे कपड़ों के बारे में मत सोचो वी कैन ऑलवेज चेंज हम इसको बदलते रहेंगे बट गो वी मस्ट लेकिन हमारा जाना बहुत जरूरी है एंड द रेज रश टू अर द अर्थ जो रेज थी वो क्या हो गई वो अर्थ की तरफ पृथ्वी की तरफ भागी द क्लाउड्स टू गार्ड बिटवीन डेम एंड सहीदास कोटिया जो क्लाउज थे वो क्या थे गार्ड बनकर खड़े थे सईदा के कोटियार के घर के बीच में द लिटिल रेस फोकस देयर हीट जो लिटिल रेस थी उसने हमने हीट पर फोकस किया उस पर उस पर ध्यान दिया एंड दे हैड द इनफ इट ऑन द बटालियन ऑफ क्लाउड्स वो काफ़ी थी बटाल क्लाउड्स की बटालियन पर और उसकी मतलब कि आर्मी पर विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट उनको भगाने के लिए वहाँ से द रेस गोट थ्रो शूटिंग पास्ट बिलवर्ड क्लाउड्स कि वो वो उलझते हुए क्लाउड्स में से वहाँ से निकल गई दे वर ऑलरेडी लेट वे वे लगभग लेट हो चुके थे वो पहले से ही लेट हो चुके थे सईदा सादा होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग एंड हर हर्ट लेप्ट विद जॉय सईदा ने सारा जो आ, आ, सारी चीज़ों को अपनी आंखों के सामने हो, होते हुए देखा ए, एंड वो खुशी से उसका वो क्या हो गई थी खुशी से भर गई थी शी शाउटेड अम्मा अम्मा वह चिल्लाई अम्मा अम्मा द सन इज हेयर कि सन यहाँ पर है कम आउट बाहर आओ द ओल्ड लेडीज आई ड वेलड अप विद टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड जो उस ओल्ड लेडी की आंखें थी वो क्या हो गई थी आ, फुल ऑफ टीयर्स मतलब कि आंसुओं से भर गई थी कृतज्ञता के आंसुओं से भर गई थी हर चारपाई वास प्लेस इन द कोर्टयार्ड एंड शी सेट ऑन इट फॉर एन आवर रिक, रिक्लाइनिंग रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द बोलस्टर्स जो ओल्ड लेडी की आंखें कृतज्ञता से भर गई थी उसकी चारपाई को コートヤर्ड मतलब आंगन में रखा गया एंड शी सेट ऑन इट फॉर एन आवर और उसने जो उसके खिलाफ जो बोल रहे थे वहाँ पर बैठकर उनकी सबकी बोलती बंद कर दी थी इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड फेल्ड द सन और हर हैंड्स एंड फेस एंड ब्रिथिड इन फ्रेश एयर इट हैड बीन मंथ्स सिंस कि इतने महीनों के बाद उसने क्या करी थी सन की अपने सन को सन की सन सूरज को अपने हाथों पर अपने फेस पर और फ्रेश एयर को अपने शरीर पर आते हुए देखा था शी वाज इन ने न्यू वर्ल्ड उसने सोचा कि वह नए संसार में है थो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आइज शोन ब्राइटली मतलब कि कमजोर होने के बावजूद भी उसके जो आंखें उसका फेस था ग्लो करने लग गया चमकने लग गया एंड और उसकी आइज चमकदार दिखाई देने लग गई शी सो हर चाइल्ड टू बाथ इन सन लाइट एंड किस्ट हर कि उसने अपनी बच्ची को देखा सनलाइट uh, में और किस हर उसको किस किया द मॉर्निंग एयर ब्रॉट ब्रॉट इन ए न्यू फ्रेगरेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स कि जो सुबह 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 सु, सुबह की हवा क्या लाती है नज़दीक की नज़दीक फ्लावर्स थे उसमें क्या कर रही थी खुशबू ला रही थी द बर्ड्स चैंटेड इन न्यू ट्यून जो बर्ड्स थे वो एक नई ट्यून बजा रहे थे सईदा मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी सईदा की मम्मी थी वो क्या कर रही थी बहुत ही अच्छा महसूस पहले से अच्छा महसूस कर रही थी शी इज़ फुली रिकवर नाउ वह पहले से न, न, शी इज़ फुली रिकवर नाउ अब वह काफ़ी रिकवर हो चुकी थी काफ़ी उसकी सिचुएशन में सुधार आ गया था बट शीज़ स्टिल फॉलो द डॉक्टर एडवाइस, लेकिन अभी भी वो डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो कर रही थी। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग ऑफ़ फ्रेश एवरी डे और क्या करती थी आ, एक घंटा सूरज की रोशनी और और फ्रेश एयर में क्या करती थी सांस लेती थी ओके आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल डू योर वर्क फ्रॉम दीडीएफ थैंक यू हैव ए नाइस डे